नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS जादौन YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो Google Drive में फ़ोटोज़ होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हम Google Drive में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी फ़ोटो होगी उन फ़ोटो को आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगा कि Google Drive से फ़ोटो वीडियोज़ परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो का गलत यूज़ ना करें, यदि आप गलत यूज़ करते हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, हमारे YouTube चैनल की नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप MS जादौन ज़रूर लिखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली कोई भी फ़ोटो और वीडियो गूगल ड्राइव से। जैसे कि यहाँ पर यह फ़ोटो है तो इस फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख रहे हैं तो इसको डिलीट कैसे करनी है। तो ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहा होगा ऊपर राइट कॉर्नर में, तो आपको ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे रिमूव का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो हम यहाँ पर रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है मूव टू ट्रेस, तो हम यहाँ पर मूव टू ट्रेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो है वो ट्रेस हो जाएगी। अभी ये पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ पर ओनली ये फ़ोटो ट्रेस हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे। अब आपको क्या कर रहे हैं, आपको जाना है ऊपर, 3 लाइन्स दिख रही होगी लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ट्रेस, तो यहाँ पर सेकंड थर्ड नंबर पर आपको ट्रेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर ट्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फ़ोटो दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर रीस्टोर का और डिलीट फॉरएवर का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर डिलीट फॉरएवर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डिलीट फॉरएवर, तो हम यहाँ पर डिलीट फॉरएवर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फ़ोटो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से आप वीडियो भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप फ़ोटो वीडियो इसी तरीके से डिलीट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।